केदारनाथ धाम के गर्भगृह के कपाट बंद हो गए हैं और शुभ मुहूर्त के हिसाब से केदारनाथ धाम मंदिर के मुख्य कपाट भी 8:15 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। और इस तरह से केदार मंदिर के बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जानकारी देंगे, हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है संदीप प्रसाद। सुबह 8:15 बजे जब इस कपाट बंद होंगे तो थोड़ी सी चेहरे पर मायूसी जरूर आएगी, क्योंकि जितनी बेसब्री और उत्साह कपाट के खुलने का होता है उतने ही नम आंखों के साथ और थोड़ी सी मायूसी के साथ विदाई भी दी जाती है। इस समय की अपडेट्स दीजिए संदीप। जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि जो ग्रीष्मकालीन जो यात्रा होती है भगवान केदारनाथ की, जो 6 महीने की और जो मई या अप्रैल माह से शुरू होती है और नवंबर आज जो कपाट बंद हुई, 6 माह की यात्रा होती है, कहीं ना कहीं ये भावुक होने वाला पल होता है। क्योंकि केदारनाथ धाम में जब बाबा केदार की डोली ओंकारेश्वर मंदिर से आती है तो उस समय भी ओंकारेश्वर मंदिर में जो तमाम भक्त होते हैं बाबा की डोली को रवाना करते हैं, वो पल भी एक भावुक वाला होता है। और अब जो धाम से वापिस जो शीतकालीन यात्रा के लिए बाबा केदार अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर के लिए रवाना होते हैं तो आज जो समय होगा वो भी काफी भावुक करने वाला होगा। और हालांकि वहां पर श्रद्धालुओं की वहां पर संख्या हजारों श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं और अब आप सब तस्वीरों में दिख रहे हैं कि जो तैयारी है बाबा केदार के नीचे शीतकालीन प्रवास के लिए अब तैयारी है बाबा की डोली रवाना होने की, उसको लेकर वहां पे तैयारियां चल रही है। जो आर्मी की धुन होती है बैंडों की वो वहां पे शुरू हो चुकी है और जो माहौल होगा वो एक धार्मिक माहौल वहां पे बन जाता है। पूरी तरह पूरी केदारपुरी जो के भोले के नारों से गूंज उठती है वहां पर और कहीं ना कहीं भाव खुलने वाला पल ये जरूर है। जी संदीप, विस्तार से ये पूरी प्रक्रिया समझाइए। जो इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको बताना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर इस समय कितने आर्मी के जो बैंड हैं उसके कर्मी मौजूद हैं, कौन कौन यहाँ पर पहुँचा हुआ है, कौन मंदिर समिति के यहाँ पर लोग हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग इस समय मौजूद हैं और ये पूरी प्रक्रिया जो कपाट बंद होने की जाती है ये कैसे शुरू होगी। आपको बता दूं कि कल जो प्रक्रिया हुई थी उसमें यह हुआ था कि जो पाप जो केदार भगवान केदारनाथ की डोली होती है पंचमुखी उत्सव डोली, वो कल डोली परिसर में लाई गई थी। उसमें उसको बिल्कुल फूलों से सजाया गया था और उस जो पूजा अर्चना होती है उसको किया गया था वहां पर। और वहां पर अब जो डोली रवाना होगी वही डोली अब जो पंचमुखी डोली होती है, आपको बता दूं कि जो बाबा केदार की डोली होती है वो पंचमुखी डोली होती है बाबा केदार की, और वो डोली ही डोली के रूप में उसको जब ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ लाया जाता है और केदारनाथ से फिर वापस ओंकारेश्वर मंदिर को वही डोली जाती है। और आपको ये बता दूं कि आज सुबह 8:17 पे जो वहां पे पूजा होती है अंदर गर्भगृह की, वो पूजा पूरी हुई थी 8:17 पर और जिसके बाद जो गर्भगृह होता है वहां अंदर उसके कपाट बंद कर दिए गए थे। और अब जो मुख्य द्वार होते केदारनाथ मंदिर के, जो मुख्य द्वार प्रथम द्वार जहां से श्रद्धालु दर्शनों के लिए जाते हैं उन कपाटों को अब 8:30 पर वहां पे बंद कर दिया जाएगा और जिसके बाद वो डोली है वहां से रवाना होगी। मैं बता दूं आपको कि वहां पर जो प्रक्रिया होती है, जो पौराणिक परंपरा है, विधि विधान से जो तरीके वहां पे हैं वो ये है कि आर्मी के लगभग तो कुछ 20-25 जवान वहां पर मौजूद होते हैं, जिनके जो आर्मी के बैंड होते हैं उनकी धुनों के साथ और डोली के साथ जब डोली आती है केदारनाथ मंदिर उस समय भी मौजूद रहते हैं और जब डोली यहां से जाती है केदारनाथ ओंकारेश्वर मंदिर के लिए वो उस समय मौजूद रहते हो। तो आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो टुकड़ी पूरी जो कि आर्मी बैंड की होती है वो हमेशा डोली के साथ मौजूद रहती है जब डोली आती है और जब डोली केदारनाथ धाम से जाती है। इसके साथ ही मैं बता दूं वहाँ पर अब जो वहाँ पर मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र जी वहाँ पर मौजूद हैं और मंदिर समिति के जो CEO हैं वहां पर मौजूद हैं, तमाम जो तीर्थपुरी समाज के लोग हैं वहां पे मौजूद हैं। हालांकि इस बार कोई VVIP दौरा केदारनाथ में नहीं रहा था, क्योंकि हर बार देखा गया है जब भी कपाट बंद होते हैं उस दौरान कपाट खुलने के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जरूर केदारनाथ में होता है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं लगातार हमने देखा कि वो केदारनाथ धाम में आते हैं कपाट खुलने के समय और बंद होने के समय। और सबसे बड़ी बात यह भी कि केदारनाथ धाम में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लगी है, इसको देखते हुए वीआईपी दौरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भी आज वहां पे नहीं पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं वीवीआईपी कोई वहां पर है नहीं। तो जो वहां पे मंदिर समिति के लोग हैं और जो तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, हजारों भक्त वहां पे मौजूद हैं, इसके अलावा कोई वीवीआईपी वहां पे नहीं है। ठीक है संदीप प्रसाद, आप नजर बनाए रखिए, हाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज 3 नंबर वो समय आ गया है जब श्री केदार के कपाट बंद हो रहे हैं। 10 ज्योतिर्लिंग में से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के, और विधि विधान से सवेरे 3 बजे से लेकर हमने विधिवत पूजा की और 6:30 बजे अंदर के कपाट बंद कर दिए और 8:30 बजे हमारे बाहर के कपाट बंद हो जाएंगे और पुनः 6 महीने पश्चात पुनः इस केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। उसी समय सभी श्रद्धालु और भक्तगण आएंगे और पुनः श्री केदार भगवान भोले के दर्शन करेंगे। आप सभी लोग को इस विरह की घड़ी की बहुत दुखी मन से शुभकामना भी। तो देखिए पूरे विधि विधान के साथ धार्मिक आयोजन को शुरू कर दिया गया है और आज थोड़ी सी लोगों में मायूसी होती है, ना सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि पूरे देश के लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं बाबा के दर्शन करते हैं, अब अगले साल का इंतजार करना होगा। सतेंद्र बर्थवाल और जानकारी देंगे इस पर। सतेंद्र बर्थवाल, इस बार एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है। हर साल ही हम देखते हैं कि जब भी यात्रा शुरू होती है चारधाम की तो नया रिकॉर्ड बनता है। इस बार लाखों की संख्या में यहाँ पर पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोग पहुँचे हैं, लेकिन अब आज वो दिन आ गया है जब नम आँखें कह सकते हैं आप या फिर मायूसी के साथ धार्मिक आयोजन का शुरुआत तो कर दी गई है लेकिन अगले साल का इंतजार करना होगा। तो यहाँ पर उत्साह है, पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर बाबा की डोली को लेकर जाया जा रहा है। आप एक बार ये रास्ता समझा दीजिए, जो डोली यहाँ से रवाना होने वाली है 8:17 पर जो कपाट बंद होंगे, ये कितने गांवों को पार करते हुए पहुंचेगी, कितनी भारी संख्या में वहां पर इस समय लोग मौजूद हैं और किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि आज एक नम आंखों से भी वहां पे लोग विदा कर रहे हैं और एक उत्साह का भी एक बड़ा माहौल है क्योंकि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बंद होने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें क्योंकि कुछ ही देर बाद यानी 1 से 2 मिनट बाद बाबा केदारनाथ के कपाट जो अभी गर्भगृह के कपाट बंद हो गए हैं, उसके बाद अभी वो तस्वीरें देख रहे हैं आपकी, चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम से बाहर निकल चुकी है यानी मंदिर प्रांगण से बाहर निकल चुकी है और 3 परिक्रमा काट के करने के बाद बाबा केदारनाथ की 3 परिक्रमा के बाद एक चल विग्रह उत्सव डोली जो पंचमुखी बाबा केदारनाथ धाम की जो ये डोली है ये यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर मठ के लिए रवाना होगी। अगर हम बात पड़ावों की करें तो आज बाबा की जो डोली है ये रामपुर में रुकेगी यानी कि पहला जो पड़ाव वहां से निकलेगी डोली, तो आज रात्रि विश्राम रामपुर में होगा और कल बाबा की डोली रामपुर से निकलते हुए अपने हजारों की संख्या में आज बाबा के साथ भक्त जो बाबा की डोली के साथ चलते हैं बाबा के साथ वो आगमन करते हैं, जयकारों के नारे पूरे बाबा के गुंजायमान होते हैं और उनके साथ आज ये डोली रामपुर में रुकेगी और कल वहाँ से काशी यानी गुप्त काशी में जो काशी विश्वनाथ का एक मंदिर है वहाँ ये डोली रुकेगी और उसके बाद यानी 5 तारीख को ठीक 11:45 के करीब ये डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुँचेगी। यानी कि ये 3 दिन का ये पूरा पड़ा होगा, 3 दिन का ये पूरा डोली का एक शेड्यूल रहता है और उसके बाद वहाँ पे 6 महीने के लिए यानी कि शीतकाल में जब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं उस दौरान बाबा ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन अपने भक्तों के लिए होंगे। क्योंकि अगर मान्यता की बात भी करें तो मान्यता भी काफ़ी है, मान्यता है कि जब बाबा के केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो उसके बाद बाबा क्योंकि केदार वैली में पूर्व शीतकाल का ये पूरा एक माहौल होता है, ठंड यहाँ बर्फबारी लगातार होती है और ये भी मान्यता है कि यहाँ पे अब नर नहीं भगवान खुद बाबा के वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं जिस कारण 6 महीने यहाँ पे बाबा के जो दर्शन नहीं होते हैं क्योंकि मान्यता है कि जो भगवान यहाँ पे पहुँचते हैं और वो नारायण रूप में बाबा के वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। जी ठीक है सतेंद्र बर्थवाल, लौटूंगी। संदीप भी बने हुए हैं हमारे साथ जो कि इस समय जो बाबा की डोली यहाँ से रवाना होनी है इस पर और जानकारी देने के लाइव मौजूद हैं। संदीप देखिए जब यात्रा शुरू होती है
तो इतनी भारी भीड़ एक बारी में ही आ जाती है पूरे देश से कि संभालना मुश्किल हो जाती है, व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन अंत भला तो सब भला आप कह सकते हैं। अंत में अगर आप कहें कि अब तक 44 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन करके गए हैं चारों धामों के, तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में धामी सरकार ने स्थापित भी किया है। और अंत में देखिए व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से सुचारू तरीके से आगे बढ़ती हुई देखी गई और सबने दर्शन भी किए हैं चारों धाम में, जहां पर सबसे ज्यादा दर्शन केदारनाथ में ही किए गए हैं। हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं इसको आप और विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को कि ताला लगा दिया गया है, ये कौन सी प्रक्रिया होती है। ताला लगाने के लिए भी यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और हमने देखा कि सिर्फ एक ताला मात्र नहीं था, कुछ और भी तरह के बंदोबस्त यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये कपाट जो बंद हुए हैं शीतकालीन के लिए, अगले साल तक के लिए, इसकी क्या प्रक्रिया होती है और क्या डोली वहां से रवाना हो चुकी है बाबा की? जी नहीं, डोली अभी जो 4 मिनट का समय बाकी है 8:30 पे, ठीक 30 उसी समय पे डोली, क्योंकि वो एक मुहूर्त होता है, विधि विधान से निकाला हुआ मुहूर्त होता है, और उसी समय जो शुभ मुहूर्त होता है 8:30 पर, उसी समय बाबा केदार की डोली वहां से अपने शीतकालीन प्रवास के लिए निकलेगी। और कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं जो मुख्य द्वार होता है, मैं आपको बता दूं स्पष्ट की जो केदारनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तो एक गर्भ गृह होता है जहां पर बाबा केदार की वहां पर जो शिवलिंग है उसकी पूजा होती है और वहां पर ही भक्त दर्शन करते हैं अंदर जाकर, और एक वहां पर शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है और वही गर्भगृह माना जाता है। और उसके गर्भगृह का एक मुख्य पहला दरवाजा जो होता है वो गर्भगृह का होता है, और उसके बाद जो दूसरा दरवाजा जो होता है मुख्य द्वार, जिसकी आप बात करें कि उस पर ताला लगाया गया है, वही जो मुख्य द्वार होता है मंदिर का सबसे द्वार वही होता है जहां से आप प्रवेश करते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर में, तो उस पे ताला लगता है। तमाम वहां पे प्रक्रियाएं होती हैं जो धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी वहां पर परंपराएं होंगी उसके अनुसार उसको बंद किया जाता है, और उसके बाद ठीक समय पर 8:30 पर ही वहां से डोली रवाना होगी। अपने बाबा केदार की जो यात्रा की बात की, चार धाम यात्रा की बात की, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी यात्राएं ये होती हैं चारों धामों की, क्योंकि ये केवल 6 माह ग्रीष्मकाल में चलती है और इसका भक्तों को, लाखों भक्तों को बहुत ज्यादा इंतजार होता है कि कब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, कब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, कब गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, कब यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। लोग 6 माह तक इसका इंतजार करते हैं और बेसब्री से ये भी इंतजार रहते हैं कि अब अपने बाबा केदार अयोध्या देव के दर्शन करें। तो इसको लेकर एक जो दौर होता है प्रथम यात्रा का, जब कपाट खुलते थे तो लाखों श्रद्धालु पर हर धामों के लिए रवाना होते हैं और भारी भीड़ देखी जाती है, क्योंकि यार अक्सर हमने ये देखा 2013 की आपदा के बाद जब केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, बहुत विनाशकारी आपदा आई थी, उसके बाद यह केदारनाथ धाम में धीरे धीरे जब हेली सेवाएं शुरू हुई हैं उसके बाद वहां पर जो तमाम सुविधाएं जोड़ने का काम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर ड्रीम प्रोजेक्ट के काम हुए, आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति बनी है, तमाम चीजें डेवलप हुई हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जब ये श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा रहा है वो प्रतिवर्ष लाखों में अंतर आया है, लाखों में श्रद्धालु बढ़े हैं। और पिछले साल हालांकि मैं आपको बता दूं कि 18 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए थे, और इस बार आंकड़ा थोड़ा कम रहा है क्योंकि 16,33,000 श्रद्धालुओं ने ये दर्शन किए, तो आंकड़े में थोड़ा कमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी रही कि जो 31 जुलाई और इस बार 44 लाख के करीब है कुछ यात्रा। लेकिन एक 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 सवाल ये है, देखिए राजनीति बात नहीं करेंगे लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है इसके ऊपर भी चर्चा करना कि ये सौभाग्य सिर्फ उत्तराखंड को ही प्राप्त है चारों धामों की यात्रा करने का, क्योंकि जब चार धाम यात्रा शुरू होती है तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है, और धामी सरकार ने इस चुनौती को पूरा भी किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से यात्रा को संपूर्ण भी कराया गया है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए आने वाले जो उपचुनाव है उसके मद्देनजर यहाँ एक मौका नहीं दिया गया, क्योंकि विपक्ष हमेशा ये घात लगाए बैठा रहता है कि चारधाम यात्रा जहां पर पूरे देश ही नहीं पूरे विदेशों से लोग आएंगे, एक छोटी सी चूक और सरकार को घेरा जाए, तो यहां पर सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। संदीप बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो 31 जुलाई को जो आपदा आए थे, हम लोग ग्राउंड जीरो पे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौरान भी, तो जो स्थितियां थी वहां पर, क्योंकि जो रामबाड़ा शेयर नीचे का जो ट्रैक है पैदल ट्रैक गौरीकुंड का, वो कई जगहों पे लगभग 4 से 5 जगहों पर पूरा वॉश आउट हो चुका था और लगभग 20 से 25 मीटर प्रत्येक हिस्सा वॉश आउट हुआ, तो वहां पर टफ था क्योंकि केदारनाथ यात्रा। और आपको ये भी बता दूं कि केदारनाथ का गौरीकुंड से और केदारनाथ तक का जो ट्रैक रूट है, जो चढ़ाई है, वो काफी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला है और वहां पर जो हर चीज संसाधन जोड़ना भी काफी टफ होता है, क्योंकि हेली से आप हर सामान नहीं ले जा सकते हैं, कोई बड़ी चीज है चाहे कोई लोहे का सामान है, तमाम चीजें वहां पर मौजूद नहीं हो सकती, तो इससे भी मेटल को पहुंचाने भी वहां पर दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं समय तो लगता है। लेकिन उसके बाद भी यात्रा को जब 31 जुलाई को यात्रा की जब मार्ग बंद हुए थे, जो गौरीकुंड का पैस था
इलाका और गोरखकुंड के बीच का सड़क का कई जगहों पर वॉश आउट हुआ था। उसके बाद सबसे बड़ा कारण यह था कि जो लोग फंसे थे उनको निकालने का काम किया गया था, तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी निकाल दिया गया था। उसके बाद यात्रा को शुरू करना था तो कहीं ना कहीं जो मशीनरी है, जो सरकारी मशीनरी है, चाहे जिला प्रशासन हो, आपदा कंड हो, तमाम आर्मी की, ITBP के तमाम जो भी लोग वहां पे लगे थे, उन्होंने तत्काल वहां पे रूट तैयार किए, कहीं ना कहीं से रास्ते तैयार किए और यात्रा शुरू भी की और लोगों को निकाले। हालांकि कुछ लोग मिसिंग वहां पे बताए गए, लेकिन उसके बाद जो लोग थे किसी को भी एक भी व्यक्ति को खरोच नहीं पहुंचे, सभी लोग सुरक्षित लौटे। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो विपक्ष राजनीति अलग मुद्दा होता कहीं, लेकिन जो सरकार का काम था, प्रशासन का काम था, वो काम उस हिसाब से हुआ जैसी वहां पर भौगोलिक तत्परता दिखाई। सत्येंद्र से भी ले लेते हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। सत्येंद्र, देखिए जो जानकारी यहाँ पर संदीप दे रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे एक आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए आप भी यहाँ पर जाके जो लोकल लोग हैं ना उनके उत्साह को और बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। दूर दराज इलाकों से तो लोग यहाँ आते ही हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं, क्योंकि उनके लिए अगर आप रोजगार के लिहाज से बात करें या फिर यहाँ पर जो जिस तरह की चहलकदमी बन जाती है इन दिनों में उसकी बात करें, अब जैसे यहाँ पर द्वार बंद हुआ है, मुख्य द्वार बंद हुआ या चारधाम यात्रा रुकी, तो जो भीड़ अब तक पहुँच रही थी वो यहाँ पर वैसी चहलकदमी नहीं देखी जाएगी। तो लोकल जो लोग होते हैं सत्येंद्र बर्तवाल, उनका क्या रिएक्शन होता है? बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक आस्था का एक बड़ा पर्व हम इसे कह सकते हैं कि केदारनाथ यात्रा जब खुलती है या यात्रा में जब लोग पहुंचते हैं तो एक बड़ा पर्व होता है। मैं खुद केदार घाटी का रहने वाला हूं और मैंने बचपन से ये यात्रा देखी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने हर साल इस यात्रा को अलग अलग तरीके से इसको बदलाव आते हुए देखा है। जब हम बचपन में अपने पिताजी और माता जी के साथ कभी केदारनाथ यात्रा जाते थे तो उस टाइम अलग रूट हुआ करता था, उस टाइम अलग एक पूरी एक परंपरा थी, परंपरा वही है, लेकिन वो जो रूट है, वो जो यात्रा है, उसका एक पूरा जो सिनारियो है वो बदलता हुआ रूप मैंने देखा है। और अगर हम बात करें कि केदारनाथ यात्रा की, केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो केदार घाटी के लिए एक पूर्ण एक रोजी रोटी यानी एक रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन इसे हम कह सकते हैं। यहाँ 6 महीने के अंदर या आप लगा लीजिए घोड़ा खच्चर वाले, कंडी डंडी वाले, वहाँ पे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, जो ये यात्रा रोडों पे यात्रा जो मार्ग है उस मार्ग के अलग अलग स्पॉट पे वो वहां पे टेंट लगाते हैं यात्रियों के रुकने के लिए, यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ये पूरा मतलब इस पूरी घाटी के लोग यानी केदारनाथ के अगर पूरी घाटी के लोग की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, ये आर्थिकी का इतना बड़ा जरिया भी है पूरे घाटी के लिए। जो 6 महीने तक जो लोग वहां पे लगातार रुकते हैं, वहां पे उन जो यात्री आते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं करते हैं, उससे जो 2 रुपए जो पैसा कमाते हैं तो वो पूरे एक साल भर की उनकी एक आर्थिकी का भी बड़ा जरिया है। क्योंकि अगर हम केदारनाथ यात्रा की बात करें तो इसमें हमने हर पल हर साल नई नई चीजें देखते हुए देखी है। अगर हम बात 2013 आपदा से पहले की हम बात करें तो आपदा से पहले एक जो रूट हुआ करता था गौरीकुंड एक अहम पड़ाव हुआ करता था। गौरीकुंड में माता गौरी के दर्शनों के बाद वहां पे तप्त कुंड हुआ करता था, तप्त कुंड में लोग स्नान करते थे, उस स्नान के बाद केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है यानी करीब करीब 16 से 17 किलोमीटर पहले की जो यात्रा होती थी उस यात्रा को लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन 2013 की अगर हम बात करें, 2013 के बाद जिस तरीके के सिनारियो देखने को मिले हैं, जिस तरीके के वहां पे आपदा आई है, आपदा में पूरा एक इलाका यानी कि रामबाड़ा एक अहम कड़ी हुआ करता था केदारनाथ यात्रा में। रामबाड़ा पूरा वॉश आउट हो गया 2013 की आपदा में। रामबाड़ा एक बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, वहां पे लोग रुकते थे हजारों की संख्या पे वहां पे लोगों के रुकने के लिए, क्योंकि वहां पे कई छोटे ढाबे करते थे, छोटे छोटे होटल हुआ करते थे वहाँ पे, कई धर्मशालाएं हुआ करती थी। लेकिन वो 2013 की आपदा में वो पूरा वहाँ से वॉश आउट हो गया। लेकिन अब की 2013 की बात की जो यात्रा है उसके बाद सरकार ने वहाँ पे कई प्रकार की वहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं। भले ही रामबाड़ा अभी तक नहीं है, लेकिन रामबाड़ा से पहले लिनचौली, छोटी भीमबली और बड़ी लिनचौली और अलग अलग जो स्पॉट बनाए गए वहाँ पे जो लोग थे, लोगों को रोजगार से भी जोड़ा गया। छोटे लोग वहाँ पे अपने टेंट वगैरह लगाते हैं, 6 महीने के अपना अस्थायी टेंट लगाते हैं वहाँ पे, उससे उनकी रोजी रोटी बनती है। वो बिल्कुल सत्येंद्र, ये तो है कि देखिए आप इस तरह की यात्रा देख के आपको भी अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और हर साल ही एक डेवलपमेंट देखा जाता है। इस साल की एक बड़ा डेवलपमेंट ये देखा गया कि धामी सरकार ने सोशल मीडिया पर यहाँ पर पूरी तरह से बैन लगाया गया कि सोशल मीडिया का कोई भी वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ पर व्यवस्थाएं खराब ना हो और चारधाम यात्रा सुंदर तरीके से पूरी कराई जाए, इस सरकार की तरफ से भी हर साल ही कुछ ना कुछ एक बड़ा कदम उठाया जाता है। बहरहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और सतेंद्र बर्तवाल का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, संदीप प्रसाद का भी धन्यवाद कहना चाहेंगे जानकारी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।